नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है द न्यूज इंडिया में। चलिए देखते हैं राजनीति की अभी सबसे बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां बड़े बड़े बदलाव कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने मायावती को भी झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने बैठक की है और मायावती ने बसपा के लिए बड़े बदलाव करते हुए निर्णय लिए। एक बार फिर उन्होंने अपने भाई और भतीजे पर भरोसा जताया है। जहां परिवारवाद को लेकर हमेशा बात होती है, एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या परिवारवाद ही राजनीति बन चुका है। लेकिन आपको बता दें कि मायावती ने भाई आनंद कुमार को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, तो वहीं भतीजे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। इस बार पार्टी ने दो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में ऐलान किया। बसपा सुप्रीमो ने यह बड़ी जिम्मेदारी अपने भाई और भतीजे को दे दी है। मायावती द्वारा ये एक बड़ा फैसला है और इसे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी गलियारे में एक बार फिर से परिवारवाद पर बहस छिड़ने लगी है। हालांकि मायावती खुद अपने आप को परिवारवाद से दूर बताती हैं, लेकिन यहां तो कुछ और ही नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस बैठक में करीब 500 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूद थे पूरे देश के। इसमें विधानसभा से लेकर मंडल प्रभारी तक शामिल थे। सभी के लिए मोबाइल, पेन और चाबी जो भी थी जमा करवा लिए गए थे।